वन बंधु परिषद धनबाद चैप्टर एकल महिला की ओर से आज धनबाद के सिद्धि विनायक धनसार में एकल एक्सपोजिशन का आयोजन किया गया। आपको हम बता दें कि दो दिवस से एकल एक्सपोजिशन का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 59 पेड स्टॉल्स लगाए गए हैं और 15 प्रोमोशनल स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको हम बता दें कि जितने भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, इन सभी स्टॉल से कुछ चार्जेस ली गई है और ये तमाम जितने भी चार्जेस यहाँ पर ली गई है, ये हम बता सकते हैं कि नोबल कॉज के लिए ली गई है। अंदर का अगर हम नज़ारा आपको दिखाना चाहें तो आप देखिए कि अलग अलग तरह के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ आप देखिए कि प्रोमोशनल यहाँ पर जो होममेड अचार है उसे यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। कच्ची घानी का सरसों तेल यहाँ पर इसका हम देख सकते हैं कि इसे भी प्रमोट किया जा रहा है। शुद्ध घी इसे लेकर प्रमोट किया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉल्स हैं जिन्हें यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है और एक माध्यम है। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि एक ही छत के नीचे ये तमाम अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। सबसे खास बात जो यहाँ पे अट्रैक्ट करने वाली, आप देखिए कि यहाँ पे कितनी अलग अलग तरह की वैरायटीज़ और लहटी चूड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो दे रही है वो दादी जी हैं। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, आप हमें बताएं कि किस किस प्रकार की यहाँ पर चूड़ियाँ हैं। लाठी सब चूड़ियाँ नगवाली है, राजस्थानी चूड़ी है। कैसा यहाँ पे लोगों का रिस्पांस देखने को मिल रहा? काफी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खरीद कर ले जा रहे हैं तो इस तरह के आयोजन से आपको भी बेनिफिट। हाँ ठीक। अगर हम प्राइस की बात करें तो मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितने प्राइस का? ऐसा तो कोई बात नहीं है, मजदूरी का पैसा मिलेगा। यानी कि अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को भी यहाँ पे? हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से कलरफुल चूड़ियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा फुटफॉलिंग है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है क्योंकि अब लोग भी इन तरह की चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम कुछ एक दो और स्टॉल्स भी आपको दिखाना चाहेंगे जो काफ़ी यूनिक और डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितना रिस्पॉन्स उन्हें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से फुटफॉलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्स की शॉप है, क्लचेस है। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा रिस्पांस यहाँ धनबाद के लोगों का मिल रहा है। किस चीज़ की आपकी शॉप बेसिकली डील करती है? मेरी शॉप पर्स, हैंडबैग्स हैं, फिर क्लचेस हैं, वो सब बैग्स हैं। मीन्स बैग्स की टोटल वेराइटीज मेरे पास मिल जाएगी। तो यहाँ दो दिवसीय कार्यशाला था, कल भी थी, आज भी है, कैसा रिस्पॉन्स देखने को? नहीं, यहाँ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहा, कस्टमर्स बहुत हम लोग सेटिस्फाइड है इस चीज़ से। जी, जो नोबल कॉज किया गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एकल ऐसी संस्था है जो ये सब बच्चों के लिए एक स्कूल चला रही है, उसके लिए ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोग को इसलिए मिला, उन लोगों को उससे फ़ायदा है ही। यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि आप जो ये मिट्टी के जो बर्तन आप देख सकते हैं, ये तमाम बच्चों के द्वारा बनाया गया है। पहला कदम स्कूल के जो दिव्यांग बच्चे हैं उन लोगों के द्वारा बनाया गया और इसे यहाँ पर प्रमोट किया जाए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम इनसे विस्तार से जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि ये जितने भी मिट्टी के आइटम हैं ये बच्चों ने ही बनाया है? जी हाँ, मिट्टी के ये एक कलश को खरीद करके और फिर इस पर ये जो पेंटिंग की गई है मेरे बच्चे की है। क्या रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोगों के द्वारा? लोगों का अच्छा रिस्पांस है और बच्चों को सपोर्ट मिल रही है। जो हमारे प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं तो हमारे बच्चों को सपोर्ट हो रहा है। किस किस तरह की चीज़ों को और यहाँ पे आप लोगों ने रखा है जो बच्चों के द्वारा निर्मित है, मतलब बनाई? इसका प्लांट हमारे स्कूल में लगा हुआ है और ये बच्चे बनाते हैं। 18 ईयर अब बच्चों को ये सब काम में लगाया जाता है तो ये बच्चे बनाते हैं, फिर इसकी पैकिंग होती है। कुछ बच्चे बनाते हैं मशीन पे बैठते हैं, कुछ पैकिंग करते हैं, कुछ काउंटिंग करते हैं, ऐसे कर कर के हमारा वो सब वो बच्चे करते हैं, फिर ये दुकान में बाहर में सप्लाई होती है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बच्चों के द्वारा ये जो पेपर प्लेट है ये निर्मित है, इन्होंने बताया। और यहाँ पे एक अच्छा यहाँ प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है, इस तरह से काफ़ी लोगों का भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फुटफॉलिंग है, अट्रैक्शन है। और कहीं ना कहीं ये जो नोबल कॉज है, जो बच्चों की शिक्षा में इन पैसों का उपयोग होना है, ये सीधे तरीके से एकल के द्वारा एक अच्छी पहल करने को यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम एक दो स्टॉल्स और देखेंगे और जाने का प्रयास करें कि और किन किन यूनिक चीज़ों को यहाँ पर एक ही छत के नीचे रखा गया है। यह स्टॉल पवित्रम गोसेवा परिवार के द्वारा लगाई गई है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक और गाय के बने हुए प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोग बूढ़ी गायों को बेचे नहीं, उनके गोबर और गौमूत्र से भी आमदनी कर सके। और ऐसा हम लोगों ने प्रयोग किया, सिद्ध किया है कि लगभग एक बूढ़ी गाय से एक व्यक्ति या एक महिला अपने घर में आराम से 10,000 रुपये का रोजगार कर सकती है। उसमें पहला एक उत्पाद यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये गाय के गोबर से बनी हुई धूप है जो ढांगी गाँव की महिलाओं ने यहाँ धनबाद में ही बनाई है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, केवल गोबर और हवन सामग्री बने औषधियाँ हैं। ये देसी गाय के दूध से घी दही बना करके और फिर हाथ के बिलोने से निकाला हुआ घी है जो प्योरली ऑर्गेनिक है और प्योरली हेल्थ के लिए सर्टिफाइड अच्छा है।
इसी प्रकार हम लोग लगभग 235 आइटम ऑर्गेनिक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें बिना केमिकल का तेल, सारी चीज़ें बिना केमिकल की, और गोबर और गौमूत्र से उगाई हुई चीज़ें, जिसको ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, जैविक बोल सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और धनबाद में इसको आगे आने वाले समय में एक बड़ा रूप में विस्तार देना है। जी, पवित्रम गोसिया परिवार से मैं अजय भरतिया। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी किस प्रकार से ब्रास से बनी हुई चीज़ें, जिसे घर में यूजुअली लोग डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी यूनिक यहाँ पर आपको दिख सकते हैं शो पीसेस। हम सीधा विस्तार से जानते हैं कि कहाँ के ये कलेक्शन है और कैसा रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिल रहा है। बताइए कि ये कलेक्शंस कहाँ के हैं? और ये कलेक्शन यहीं धनबाद का लोकल है, और ये सब होममेड है, हाथ से बना हुआ काम है, सारे होममेड। जी, कैसा रिस्पॉन्स यहाँ देखने को? रिस्पॉन्स ठीक है, अच्छा, उतना भी ख़राब नहीं है, पर ठीक है। हाँ, क्योंकि धनबाद के लोगों को पता भी नहीं है कि धनबाद में भी इस तरह का काम होता है, तो वी आर हेयर फॉर प्रमोशन, सो प्रमोशन इज़ गुड नाउ। कि ये धनबाद के ही हैं, होममेड है, यानी कि अपने शहर में भी इस तरह की चीज़ें जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, साथ ही साथ नोबल कॉज भी देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी पहल यहाँ एकल के द्वारा की गई है, एकल महिला के द्वारा। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि इनके जो प्रेसिडेंट, हमने इनसे जब बातचीत की तो इन्होंने हमें बताया है कि अगले साल फिर से ये डेट निर्धारित की गई, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो अगले साल वो फिर से इस तरह के एग्जीबिशन को फिर से वो ये करेंगी, ऑर्गेनाइज करेंगी, ताकि एक बार फिर से मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिले, और वो बच्चे जिन्हें शिक्षा सही ढंग से नहीं मिल पा रही है, उनके लिए भी सही ढंग से शिक्षा को लेकर जो भी हो सके अपना वो प्रयास आगे जारी रखेंगी। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।